about the coffee, basically the coffee, and then a lot of coffee like a cappuccino or cold coffee, hot coffee, like hot coffee or cold coffee. So what is the benefit of having a coffee? तो कॉफ़ी ज़्यादातर से इंडिया में 25% to 40% कॉफ़ी इंडिया में यूज़ करते हैं, और अदर कंट्री में ये समझ लीजिए 99% और 100% लोग कॉफ़ी पे ही डिपेंड होते हैं। तो रीज़न क्या होता है कॉफ़ी पीने के, कॉफ़ी के फ़ायदे क्या हैं? जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कॉफ़ी यूज़ करते हो और आप एक कप कॉफ़ी पीते हैं सुबह के टाइम पे, तो वो कॉफ़ी जो होता है आपकी बॉडी में जो है कि विद इन ए 30 सेकेंड कॉफ़ी जो है कि काम करना शुरू कर देता है। जैसे आप स्लीपी मूड में हो और बहुत ज़्यादा लीजी हो, और एक कप कॉफ़ी अगर आप पी सकते हैं, कोई सा कॉफ़ी हो गया लाइक अमेरिकानो, कैपेचिनो और इस्प्रेसो, कोई सा भी कॉफ़ी आप पीते हैं, तो वो हाफ एन आवर, विद इन हाफ एन आवर वो आपके बॉडी में काम करना शुरू कर देता है। तो जब वो आपका जो है कि बॉडी में आया तो वो ब्लड सर्कुलेशन को जो है कि हीट करता है, तो आपके अंदर एनर्जी मिलती है। ज़्यादातर से हम लोग जानते हैं कि कॉफ़ी में एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर बाई चांस आप रात के टाइम पे कॉफ़ी पी लेते हैं, मिड नाइट कॉफ़ी पीते हैं, तो आप यू आर नॉट एबल टू स्लीप इन द नाइट, होल नाइट यू विल वेक अप बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड देन कैफीन मेक्स एनर्जी। सो द रीज़न, दैट्स द रीज़न वी आर नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी इन द नाइट एंड द मॉर्निंग। वी प्रीफर टू ड्रिंक द कॉफ़ी इन द मॉर्निंग ओनली बिकॉज वेन वी आर गोइंग टू द ऑफिस टाइम बिफोर दैट वी कैन हैव अ कॉफ़ी। सो बाई द टाइम विद इन हाफ एन आवर वी विल गेट द एनर्जी एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग वेरी फास्ट। तो और कॉफ़ी पीने के फायदे क्या है कि और कॉफ़ी से जो है कि आपका जो है जो ब्लड लेवल जो होता है थोड़ा सा मेंटेन होता है, आपको फैट नहीं होगा उससे कॉफ़ी से, और आपका कंपेयर विद द कैपिच, ये कॉफ़ी और टी में अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत सारा जो है कि चेंजेस आता है टी और कॉफ़ी में। तो टी में जो है कि कैफीन, लेस कैफीन होती है, और कॉफ़ी में ज़्यादा कैफीन होती है। जो इंडिया में ज़्यादातर से कॉफ़ी इसलिए, चाय इसलिए पीते हैं क्योंकि यहाँ पे चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है, चाय बहुत इजी प्रोसेस में हो जाता है। और चाय थोड़ा सा कंपेयर करेंगे अगर कॉफ़ी से, तो कॉफ़ी जो है कि एक्सपेंसिव होती है, और चाय थोड़ा सा जो है कि उसके अपेक्षा में जो है थोड़ा कम चार्जेस होते हैं, उसका ज़्यादा वैल्यू उसका नहीं होता है। बट अदर कंट्रीज़ में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पिया जाता है, कॉफ़ी की थोड़ी वैल्यू होती है, इसलिए कॉफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव होती है। उसका प्रोसेसिंग मेथड भी थोड़ा अलग होता है, और कॉफ़ी उगाने का जो है मेथड अलग होता है, उसके वजह से कॉफ़ी आपका थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया और टी जो है कि सस्ती हो जाती है।